नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सिंह नेवड़े के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है नेक्स्ट फ्रेंड, और जो कि हमारे सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 32 रूल 1 में दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है नेक्स्ट फ्रेंड और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब तक काम कर सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि माइनर के पास कोई मुकदमा दायर करने की या उसके ऊपर मुकदमा दायर करने की कोई लीगल कैपेसिटी तो होती नहीं, यानी माइनर खुद किसी के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता और कोई डायरेक्ट माइनर के ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि उसके ऊपर कोई राइट, उसको कोई राइट नहीं है, उसे कोई लाइबिलिटी नहीं है? नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप। माइनर के मामले में हमारे सिविल प्रोसीजर कोड ने नेक्स्ट फ्रेंड की व्यवस्था की है। अभी हमने आपसे बताया कि ऑर्डर 32 रूल 1 में दिया हुआ है, और माइनर नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू किसी पर्सन पे सूट फाइल कर सकता है। अगर किसी पर्सन को करना भी होगा तो वो अगर मुकदमा करता भी है माइनर के ऊपर, तो माइनर नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू अपना डिफेंस कर सकता है। यानी कि नेक्स्ट फ्रेंड एक मेडिएटर है जिसके थ्रू ही माइनर लिटिगेशन कर सकता है या डिफेंड कर सकता है। हालांकि आपको बता दूं मैं कि नेक्स्ट फ्रेंड को वाद का पक्षकार कभी नहीं माना जाता। यानी नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू माइनर लिटिगेशन का पार्ट भले ही बन जाए, लेकिन नेक्स्ट फ्रेंड खुद किसी भी मुकदमे का पक्षकार उसमें नहीं होता, और इस स्थिति में ऐसा लिखा जाता है जैसे ये है। इन द टाइटल ऑफ द सूट विल बी पुट, इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए अ माइनर बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड, बी वर्सेस सी एंड डी। तो मतलब माइनर को यह इंडिकेट कर दिया गया है कि माइनर अपने नेक्स्ट फ्रेंड के माध्यम से सूट फाइल कर रहा है। और एक बार बता दें कि नो सूट शैल बी इंटरटेन बाई और अगेंस्ट माइनर विदाउट नेक्स्ट फ्रेंड। यानी नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है तो फिर माइनर लिटिगेशन का पार्ट किसी भी तरीके से कतई नहीं हो सकता है। आपके मन में स्वाभाविक सवाल उठ सकता है कि आखिर नेक्स्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? तो देखिए, नेक्स्ट फ्रेंड होने के लिए बहुत ज़रूरी हो कि वो पर्सन साउंड माइंड हो, मेजर हो यानी वयस्क हो, 18 साल या उससे ऊपर का हो, और उसका ऐसा कोई इंटरेस्ट ना हो जिससे कि माइनर के हित पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। यानी आप कह सकते हैं कि साउंड माइंड होना तो है ही शर्त, इसमें कोई डाउट नहीं है, साउंड माइंड हो। इसके अलावा वह मेजर हो यानी 18 साल से या उससे ज़्यादा का एज प्राप्त कर चुका हो, और मुकदमे में उसका ऐसा कोई इंटरेस्ट ना हो कि अगर वो मुकदमे में माइनर की तरफ से या उसके अगेंस्ट मुकदमा लाया गया और वो डिफेंड कर रहा है माइनर की तरफ से, तो उसका हित और जो माइनर का हित है कहीं आपस में कंफ्लिक्ट ना करते हो, अपोजिट ना चाहते हो। यानी ऐसे कह सकते हैं कि माइनर का हित किसी तरीके से उससे प्रभावित ना होता हो। अच्छा, एक बात और मन में उठ सकता है कि क्या माइनर हमें, क्या जिस पर्सन को नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट किया गया है क्या हमेशा ही रहेगा? इसका जवाब है कि नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड मे बी रिमूव्ड व्हेन ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी और एक्ट्स एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर। ऐसा नहीं है कि एक बार नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट हो गया है तो जैसा चाहे वैसा काम करे, करे ना करे, या ऐसा कोई काम करे कि माइनर के इंटरेस्ट पे कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इन सिचुएशंस में उस नेक्स्ट फ्रेंड को हटाया भी जा सकता है। सीधे साधे कहिए कि उसे भी हटाया जा सकता है। कब? अगर वो अपना कर्तव्य नहीं करता या माइनर के हित के विपरीत काम करता है, तो दोनों सिचुएशन में उसको हटाया जा सकता है।